मिसेज सोलंकी अपने प्यारे बेटे को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए कैसे देख सकती थी? वह पहले से ही अपनी सांस रोके हुए थी, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह उछल पड़ी और मिस्टर सोलंकी की ओर झपट पड़ी। मिस्टर सोलंकी, तुम खुद को क्या समझते हो? खुद तो तुम काबिल नहीं हो, और फिर तुम अपना गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रहे हो। क्या तुम एक आदमी भी हो? तुमने अपने ही बेटे को भी मारा। मुझे लगता है कि तुम केवल एक निकम्मे और नाकारा आदमी हो। मिसेज सोलंकी काफी लंबी और मोटी थी और उसमें बहुत ताकत थी। उसने मिस्टर सोलंकी को तब तक थप्पड़ मारे जब तक उसे चक्कर नहीं आ गया। मिस्टर सोलंकी दर्द में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जल्दी से कहा, तुम बदचलन औरत, चुप रहो। अगर तुम नहीं बोलोगी तो क्या तुम मर जाओगी? अगर तुम्हारा वर्मा परिवार नहीं होता तो तुम आज कुछ नहीं होती। तुम अभी भी मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि वर्मा परिवार कोई शाही परिवार है और तुम वहां की महारानी हो? तुम मूर्खता से क्यों नहीं मर जाती? मिस्टर सोलंकी और उसकी पत्नी लड़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारे, उनके बाल खींचे, एक दूसरे को मुक्का मारा और एक दूसरे को लात मारी। अभिमन्यु की गोद में बैठा छोटा अभय इस लड़ाई को देखकर भौंचक्का रह गया। अभय ने नफरत से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। उसने अभिमन्यु का हाथ खींचा और कहा, देखो, सभी आदमी बुरे और स्वार्थी होते हैं। मैंने अपनी माँ के लिए कभी भी एक पति ना ढूंढने का फैसला किया है। अभिमन्यु का दिल, जो अभी बेकाबू गुस्से से भरा हुआ था, सामने के दृश्य को देखकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था कि अचानक से अभय के द्वारा की गई टिप्पणी पर उसका दिल एकदम से रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अभय को देखा। यह बच्चा, बॉडीगार्ड ने अपना सिर नीचे किया। उसके कंधे हिल रहे थे क्योंकि वह अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। अभय ने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। यह सही है, मैं अपनी माँ के लिए कोई आदमी नहीं ढूंढ सकता। इस दुनिया में आदमी बहुत गंदे हैं। भविष्य में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ की रक्षा खुद करूंगा। रुको, अभिमन्यु ने अभय को टोका, तुम ऐसा नहीं कह सकते, उसने असहाय होकर कहा। तुम खुद एक आदमी हो। अभय ने उदासीनता से सिर हिलाया और मुंह बनाया। ये सही है, मैं भी एक बदमाश हूँ, पर फिर भी मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा हूँ। अगले ही पल उसने बड़े ही आराम से अभिमन्यु पर एक चुभता हुआ सा तीर छोड़ दिया। लेकिन अंकल, आप एक दुष्ट इंसान हो जो हमेशा मेरी माँ का फायदा उठाने की कोशिश करता है। आपको तो खास तौर से मेरी माँ से दूर रहना चाहिए। अभिमन्यु पूरी तरीके से निशब्द था। यह बच्चा किसी जलते हुए उल्का पिंड की तरह है जो कभी भी किसी भी वक्त उस पर गिरने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। अभिमन्यु मन ही मन खुद को दुखी और लाचार महसूस कर रहा था, पर अफसोस, वह अभय को कुछ कह भी नहीं सकता था। अभय ने एक नजर रोशन की तरफ देखा और फिर अपने कपड़े ठीक किए और कहा, देखो, एक सामंजस्यपूर्ण परिवार का होना कितना महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के बीच झगड़े ने बच्चे पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ा है, इसलिए मेरे पिता का जल्दी मर जाना इतना भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। इसके साथ ही उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और एक छोटे एडल्ट की तरह क्लास से बाहर चला गया। अभिमन्यु, उसे नहीं पता था कि रोशन कितना ट्रॉमेटाइज्ड था, लेकिन अभिमन्यु कंफर्म था कि वह अभय के शब्दों को सुनने के बाद ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। ये बच्चा सच में किसी छोटे राक्षस से कम नहीं था। रात के समय वर्मा बिल्डिंग में जनरल मैनेजर्स के ऑफिस में मोहिनी ने फोन पर अपने चचेरी बहन की शिकायतों को इंपेशेंट होकर सुन रही थी। मोहिनी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस बार बात मेरे हाथों से निकल चुकी है, किसी ने मुझे धमकाने की कोशिश की है। वह स्पष्ट रूप से हमारे वर्मा परिवार को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। आपको यह भी नहीं पता कि आपकी बहन ने इस बार क्या झेला है। क्या हुआ दीदी? मोहिनी ने बड़े ही आराम से पूछा। यह सब उस कुतिया त्रिशा और उस छोटे कमीने की वजह से है। मुझे आश्चर्य है कि वह मिस्टर अभिमन्यु रायजादा के साथ कहां से जुड़ गई। दीदी, क्या आपने मिस्टर अभिमन्यु रायजादा का ही नाम लिया है? मोहिनी के पास अभय और त्रिशा की जानकारी थी। वह एक पल के लिए रुकी और उसकी आंखों में चमक आ गई। मिस्टर अभिमन्यु रायजादा, क्या वह कोलकाता में है? मोहिनी के चेहरे में अपने आप खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह खुशी के मारे अपने जगह पर उछल पड़ी। मिसेस सोलंकी लगातार शिकायत करते हुए आगे बोली, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर सोलंकी, वह कायर
मैं वास्तव में बदकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे निकम्मे से शादी की। जब मिसेस सोलंकी ने उसे बताया कि क्या हुआ था तो मोहिनी बहुत गुस्से में आ गई और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। बच्चों का इधर उधर खेलना सामान्य बात है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को मौत के घाट उतार सकती हो? मेरी घमंड और रुतबा एक झटके में चकनाचूर हो चुका है। मैं अब और नहीं जी सकती, मिसेस सोलंकी ने दुखी होते हुए मोहिनी से कहा। मोहिनी ने मिसेस सोलंकी को दिलासा दिया और उसे समझाते हुए कहा, दीदी ऐसा मत कहो, तुम्हारे पीछे अभी भी वर्मा परिवार है और वह त्रिशा सिर्फ एक छोटे से रेस्टोरेंट की मालकिन है, उसे क्या अधिकार की? वह तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करवाए, वह भी अभिमन्यु रायजादा से। तुम चिंता मत करो, मैं उस त्रिशा को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे हर एक बेइज्जती का हिसाब उससे लूंगी। इन शब्दों ने मिसेस सोलंकी के गुस्से को भड़का दिया और उसने अपने दांतों को चबाते हुए कहा, यह सही है, वह बूढ़ी औरत निश्चित रूप से एक बदजलन औरत है, क्या वह फूहड़ पुरुषों के साथ फ्लर्ट करना नहीं जानती? मैं उसे और भी ज्यादा मर्दों के साथ फ्लर्ट करने का मौका दूंगी। वह दुष्ट लड़की समझती क्या है खुद को कि वह मेरा इस तरह से अपमान करके खुद चैन से जी सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दीदी जल्दबाजी मत करो, मोहिनी ने उसे मनाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन अभी हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का समय है। उस औरत के पीछे अभी अभिमन्यु रायजादा का हाथ है, अगर हमने सामने से कुछ किया तो अभिमन्यु रायजादा हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमें चालाकी से योजना बनानी होगी। इसके बाद हम उसे खुद ब खुद रास्ते से हटा देंगे और उसका नामो निशान मिटा देंगे। कॉल कटने के बाद मोहिनी ने तिरस्कार पूर्वक हंसी उड़ाई। मोहिनी ने जल्दी से दूसरा नंबर डायल किया और फोन कॉल उठाते ही कहा, त्रिशा और उसके बेटे की जानकारी दिल्ली शहर में सिंघानिया परिवार को भेजो और मेरी जानकारी सीक्रेट रखो। दूसरी तरफ त्रिशा अभय के चेहरे पर इतनी सारी चोट देखकर काफी गुस्से में थी। वह टीचर को खोजने के लिए स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन अभय ने उसे समझाते हुए कहा, मम्मी सब ठीक है, अभिमन्यु अंकल ने पहले ही रोशन और उसके परिवार को सबक सिखा दिया है। अभय ने सहजता से कहा, लेकिन उसकी नजरें त्रिशा पर टिकी थीं, ताकि वह उसके हर एक रिएक्शन को देख सके। वही त्रिशा वह पहले से ही काफी गुस्से में थी। उसने गुस्से भरी आवाज में अभय से पूछा, तुम बार बार उसे अभिमन्यु रायजादा से क्यों मिल रहे हो और तुमने उसे अपनी मदद के लिए क्यों बुलाया? मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उससे नहीं मिलोगे, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? अभय ने अपना सिर झुकाया और परेशान होकर बोला, मुझे नहीं पता, मैंने उन अंकल को नहीं बुलाया था, मैं खुद ही बार बार आ जाते हैं, मुझे भी यह अजीब लगता है। माँ आपको क्या लगता है, अभिमन्यु अंकल को हमारी इतनी चिंता क्यों है? आज उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। त्रिशा के हाथ कांप गए और उसने सबकॉन्शियस रूप से कहा, नहीं तुम नहीं हो। अभय ने सिर हिलाया, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। मम्मी मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि वह आपको बहुत पसंद करते हैं और वह मेरे जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। त्रिशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। बकवास बंद करो, ये कैसे संभव है? लेकिन अगर सच में ऐसा नहीं है तो अभिमन्यु और क्या चाहता है? बच्चे की प्यारी आवाज और मीठे शब्दों के साथ त्रिशा के दिल में हलचल पैदा कर दी। त्रिशा ने अभय के चेहरे पर हल्के हाथों से चुटकी से दबाया, छोटे लड़के तुमने यह सब किससे सीखा है? ये टीवी पर हर रोज आता है। अभय ने हंसते हुए कहा, माँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ? खाना खाने और थोड़ी देर बाद अभय के सो जाने के बाद त्रिशा ने वाणी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वाणी आज गजब हो गया है, मैं डर से पागल होने वाली हूँ। वह कमीना अभिमन्यु स्कूल गया और उसने उस व्यक्ति को सबक सिखाया जिसने अभय को धमकाया था। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से सब कुछ जानता है। वही शानदार और विशाल कमरे में रोशनी मंद थी। वाणी ने कंबल को गले लगाया और चुपचाप अपना फोन चला रही थी। वह अपने फोन में बिजी थी कि अचानक से उसका हाथ खाली था और उसका फोन छीन लिया गया था। अंधेरे से एक कर्कश आवाज आई, तुम्हारी यह दोस्त काफी दिलचस्प है। वाणी ने अचानक पलट कर कहा, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे मौत के अंत तक लड़ूंगी। आदमी ने अचानक अपने शरीर के नीचे वाणी को दबाया। उसकी आवाज कर्कश और आलसी थी। ठीक है, अगर मैं उसे नहीं छूता तो मैं तुम्हें छू तो छू सकता हूँ। इतना कहने के बाद उस आदमी ने वाणी को बिना एक भी मौका दिए उसे अपने नीचे दबोच लिया और कुछ ही देर में पूरे कमरे में वाणी की सिसकियां गूंजने लगी।
वाणी जो अभी त्रिशा को जवाब भेजने वाली थी, एक बार फिर वह लाचार होकर आयांश को देख रही थी, जो कि उसमें पूरी तरीके से खोया हुआ था। त्रिशा दो दिनों से डरी हुई थी। अभिमन्यु इन दो दिनों में दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। दोपहर करीब 3 बजे उसे डिलीवरी का ऑर्डर मिला। त्रिशा ने खाना बनाया और खाने को अच्छी तरीके से पैक किया। फिर सामने वाले लड़के की तरफ गई जो मेज पहुंच रहा था और उससे कहा, मोहित मैं ये खाना पहुंचाने जा रही हूँ, रेस्टोरेंट को संभालो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। त्रिशा ने डिलीवरी लिया और बाहर चली गई। वह पते के लोकेशन को फॉलो करते हुए आखिरकार वहां पहुंच गई जहां उसे खाना डिलीवर करना था। त्रिशा ने दरवाजा खटखटाया। नमस्ते आपका। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक से एक हाथ दरवाजे से बाहर आया, उसके मुंह को ढंक दिया और उसे अंदर खींच लिया। धमाका, दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही उसे दरवाजे से घसीटा गया, त्रिशा ने एक आदमी की आवाज सुनी। यह छोटी और सुंदर लड़की है, भाइयों आज जमकर मजा आने वाला है। आज तो इस लड़की के शरीर का पूरा रसपान करना है। ये काफी नाजुक भी है तो हमें काफी आनंद आने वाला है। उस आदमी की बात पर दूसरा आदमी भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आज तो इस लड़की के साथ हम खूब मजे करेंगे। और फिर वह सभी एक साथ ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। त्रिशा की आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसके दिल में डर फैल गया।